दोस्तों, आलू का समोसा आपने बहुत खाया होगा और हो सकता है आपने बनाया भी होगा, पर मैं आज आपको जो समोसा बनाना बता रही हूँ वो ना आपने पहले कभी देखा होगा ना पहले कभी खाया होगा। दोस्तों, इस समोसे की रेसिपी का नाम है मेवा समोसा। इस मेवा समोसा को आप त्यौहार पर बना कर सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, अपने आप में बहुत ही यूनिक रेसिपी है और सबको बहुत पसंद आती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मेवा समोसा। मेवा के समोसे बनाने के लिए एक बाउल में डालेंगे 2 कप मैदा और डालेंगे हम यहाँ पर आधा कप तेल। तेल डालेंगे हम मोइन के लिए, क्योंकि अगर समोसे में मोइन अच्छा नहीं होगा तो समोसे खुशखुशे नहीं बनेंगे। और तेल को करेंगे हम मैदे में अच्छे से मिक्स। तेल यहाँ पर मैदे में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम पानी डालकर डो तैयार करेंगे। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मैदे का हम डो तैयार करेंगे। समोसों के लिए हमें यहाँ पर हल्का सा नरम आटा लगाना है, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। जिस तरीके का आटा हम पूड़ी लगाने के लिए तैयार करते हैं, हमें यहाँ पर समोसे के लिए उसी तरीके का आटा तैयार करना है। तो ये हो गया है हमारा समोसों के लिए मैदे का आटा लग के तैयार। इसको रख देंगे हम ढक के साइड में और चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। और नेक्स्ट प्रोसेस में हमें तैयार करनी है स्टफिंग। मेवा में मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप बादाम, आधा कप काजू और थोड़े से अखरोट। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से चॉप करना है। आप चाहे तो चाकू की मदद से भी इनको बारीक काट सकते हैं, पर मेरे पास चॉपर है तो चॉपर की मदद से मैं इनको चॉप कर लूँगी। तो ये हो गए हैं ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर हमारे अच्छे से चॉप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। नेक्स्ट प्रोसेस में मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल और बाउल में डालेंगे हम चॉप्ड की हुई मेवा और साथ ही साथ डालेंगे 1/4 कप किशमिश। और आपको जो मेवा पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/4 कप नारियल का पाउडर, आधा कप पिसी हुई चीनी, आधा चम्मच इलायची पाउडर। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। तो ये हो गई है हमारी समोसों के लिए स्टफिंग बनके तैयार। चलिए चलते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हमने ये जो आटा तैयार किया था इसको हाथों की मदद से अच्छे से गूंदेंगे और गूंदते हुए करेंगे इसका हम रोल तैयार। रोल, और अब हम इस रोल में से छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे। ये देखिए, हमें यहाँ पर इस साइज की लोइयां तोड़नी है। तो पूड़ी के आकार की लोइयां करेंगे हम तोड़ के तैयार। और इन लोइयों का हम पेड़ा बना लेंगे और इसी तरीके से सारी लोइयों के पेड़े बना के हम तैयार करेंगे। तो ये बन गए हमारे सारे पेड़े। तो अब हमें यहाँ पर इस पेड़े की पूड़ी बेलनी है। तो बेलन की मदद से हम छोटी सी पूड़ी तैयार करेंगे। पूड़ी हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बेलनी है, हल्की छोटी बेलनी है और मोटी भी रखनी है। तो ये हो गई है हमारी लंबी सी पूड़ी बन के तैयार। और अब हम चाकू की मदद से पूड़ी के 2 भाग करेंगे। तो बराबर साइज़ के हम यहाँ पर 2 भाग करेंगे और इसी तरीके से सारी पूड़ियों को काट के हम रख लेंगे। तो ये हो गई हमारी समोसों के लिए लेयर बनके तैयार। तो अब हमें बनानी है समोसों की डिज़ाइन। तो हम समोसे की डिज़ाइन बना लेते हैं। कटी हुई पूड़ी को हम इस तरीके से मोड़ेंगे और दबाते हुए इसको हम अच्छे से बंद करेंगे। जिस हिस्से से हमने यहाँ पर इसको बंद किया था उसको हम इस तरीके से रखेंगे और ऊपर की तरफ हम पानी लगाएंगे। पानी लगाने से समोसा जो है अच्छे से चिपक जाता है और खुलता नहीं है।
और अब हम एक चम्मच स्टफिंग लेके समोसे के अंदर भरेंगे। और स्टफिंग को दबाते हुए समोसे को कर देंगे हम बंद। ये देखिए, ये हो गया है हमारा मेवा वाला समोसा बनके तैयार। और इसी तरीके से सारे समोसे बना के हम तैयार करेंगे। ये हो गए हैं हमारे मेवा वाले समोसे बनके तैयार। और आप यहाँ देख सकते हैं 2 कप मैदे में लगभग 15 से 16 समोसे बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ और इन समोसों को हम तल लेते हैं। समोसों को तलने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में लिया है लगभग आधा लीटर तेल। और तेल हो गया है यहाँ पर हमारा हल्का सा गर्म। हमें यहाँ पर तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा गर्म हो जाए तो गैस को कर देंगे हम लो। तो तेल यहाँ पर हो गया है गरम, तेल में डालेंगे हम तैयार किए हुए समोसे। और गैस को करेंगे हम एकदम लो, लो फ्लेम पे हम इन समोसों को तलेंगे। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि समोसों का कलर चेंज हो गया है और हल्का सा ग्लॉसी हो गया है। तो अब हम इन समोसों को तेल से बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों बहुत ही बढ़िया मेवा का समोसा यहाँ पर हुआ है बनके तैयार। और इसी तरीके से सारे समोसों को तल के हम तैयार करेंगे। ये हो गए हैं हमारे सारे समोसे तल के तैयार। दोस्तों बहुत ही बढ़िया मेवे का समोसा हुआ है बनके तैयार। आप यहाँ पर समोसे का टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। और ये जो समोसा है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। तो दोस्तों देखा आपने, ये जो मेवा समोसा है कितने बढ़िया लगते हैं। और जितने ये देखने में अच्छे लगते हैं उससे ज़्यादा ये खाने में स्वादिष्ट हैं। तो आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अपना एक कमेंट कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर शेयर करें। तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ, मैं ऐसी नई नई रेसिपी लाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।